मैं हूँ, आरंभ भी मैं हूँ, संपूर्ण जगत हूँ, निरंजन हूँ, विकराल काल, मैं एक लघु कुल, मैं ही अमर हूँ, और प्रत्येक मृत्यु में मरता भी मैं हूँ, पृथ्वी मैं हूँ, आकाश भी मैं ही हूँ, बंधन हूँ मैं, मुक्ति भी मैं हूँ, कालकूट हूँ मैं और अमृत भी मैं हूँ, मेरा ना कोई अपना है ना कोई पराया, मुझे ना इस संसार से कुछ लेना है ना कुछ देना, पर जब किसी धर्म के नाम पर किए जाने वाला आडंबर पक्षपात का आधार बनेगा, मैं उसका विनाश जरूर करूंगा। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही नारायण, मैं ही पर ब्रह्म शिव हूं। देखिए, महादेव की पत्नी देवी सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के मुंह से शिवजी के लिए दिल चीर देने वाली बातें सुनी, जिसके बाद देवी ने गुस्से में यज्ञ की आग में अपना देह त्याग दिया। जिसके बाद शिवजी की क्रोध की कोई सीमा ना बचे, उसी पल उन्होंने बिना सोचे तुरंत दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया और माता सती का देह लेकर इधर उधर ब्रह्मांड में विलाप करने लगे। उनका ये विलाप जगत के पालनहार भगवान नारायण से देखा नहीं गया और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के 51 टुकड़े कर दिए और जितने टुकड़े धरती पर जहां जहां गिरे वो सभी आज माता के नाम पर शक्ति पीठ कहलाते हैं। लेकिन जब भगवान विष्णु ने माता के शरीर के टुकड़े किए, तब शिवजी एकदम शांत हो गए और समाधि में चले गए, संसार के मोह माया से बहुत दूर निकल गए। ये सब देखकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सभी देवताओं को चिंता सताने लगी कि भाई ऐसे तो धरती का संतुलन बिगड़ जाए, इसलिए भगवान शिव को जगाना पड़ेगा। इधर देवी सती ने अपने अगले जन्म में पर्वतराज हिमवान और देवी मैना के घर पे उनकी बेटी पार्वती के रूप में जन्म लिया। अब जैसे ही पहले बता चुके हैं कि माता सती की मौत के बाद भगवान शिव दुनिया की सभी रिश्तों को तोड़कर अपनी कठोर तपस्या में लीन हो गए थे, इधर ताड़कासुर नाम का राक्षस हर तरफ आतंक मचा रहा था, क्योंकि भगवान ब्रह्मा से उस दुष्ट को ये वरदान मिला था कि उसकी मौत महादेव और उनकी पत्नी पार्वती के बेटे के हाथों ही होगी। लेकिन महादेव तो कई सालों से अपनी तपस्या में लीन थे। अब ऐसे में सभी देवताओं ने देवराज इंद्र से कहा कि भाई आप कामदेव के पास जाइए और उनकी मदद से महादेव की तपस्या जो है भंग करवा दीजिए। जिसके बाद इंद्रदेव कामदेव के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताई। ये सब सुनने के बाद मन में हिम्मत जुटाते हुए कामदेव ने भोलेनाथ की तपस्या भंग करने का जिम्मा उठा लिया। जिसके बाद महादेव के सामने फाल्गुन महीने में कामदेव और देवी रति नृत्य और गान करने लगते हैं, लेकिन तब भी भगवान भोलेनाथ की आंखें खुलती नहीं। फिर थोड़ी देर बाद कामदेव आम के पेड़ के पीछे छिपकर एक एक करके अपने फूलों से बने बाणों को महादेव की तरफ छोड़ते हैं। आखिर में एक बाण भगवान के दिल पर जाकर लगता है, जिसकी वजह से भोलेनाथ की तपस्या जो है भंग हो जाती है। और इधर गुस्से में भोले बाबा ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। भगवान शिव की आंखों से निकलती रोशनी की वजह से उसी पर कामदेव भस्म हो गए। वहीं दूसरी तरफ महादेव के सामने बैठी माता पार्वती ने देखा और देवी पार्वती की पूजा सफल हो जाती है, जिसके बाद शिवजी ने देवी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में अपना लिया था। लेकिन अपने पति कामदेव के साथ हुए इस व्यवहार को देखकर देवी रति जोर जोर से विलाप करने लगी और बोली, इसमें मेरे पति की तो कोई गलती नहीं थी, मेरे पति को फिर से जिंदा करिए प्रभु। तब भगवान शिव को पता चलता है कि संसार की भलाई के लिए ही देवताओं की बनाई योजना की वजह से कामदेव ने ऐसा किया था। जिसके बाद भगवान शिव का गुस्सा शांत होता है और फिर ही महादेव ने उन्हें जीवन दान दिया, लेकिन बिना शरीर के। और कामदेव को नया नाम अनंग मिला, जिसका मतलब है बिना शरीर के ये प्राणियों में बसते हैं। इसके अलावा उन्हें मनसेज भी कहा जाता है। उस दिन फागुन की दरअसल पूर्णिमा थी, आधी रात में लोगों ने होली का दहन का त्योहार मनाया था। सुबह तक उसकी आग में वासना जलकर जो है प्रेम के रूप में उजागर, कामदेव बिना शरीर भाव से नए सृजन के लिए खुश होकर जीत का त्योहार मनाने गए। वो दिन होली का दिन था। अब इन सबके साथ ही शिवजी ने देवी रति से कहा कि भाई कामदेव फिर से द्वापर युग में जो है भगवान कृष्ण के बेटे के रूप में धरती पर जन्म लेंगे। वहीं शिवजी के कहे अनुसार कुछ सालों बाद कृष्ण जी और देवी रुक्मणी को प्रद्युम्न नाम के बेटे का जन्म होता है, जो और कोई नहीं बल्कि कामदेव के ही अवतार थे। भगवान कृष्ण से छुड़ की वजह से राक्षस शंभरासुर नवजात प्रद्युम्न को अपहरण करके अपने साथ ले जाता है और उसे नदी में फेंक देता है, जिसके बाद उस बच्चे को एक बड़ी सी मछली निकल जाती है। लेकिन वो मछली मछुआरों के हाथों पकड़ी जाती है और दोबारा से राक्षस शंभरासुर के रसोई घर में पहुंच जाती है। पर उस समय देवी रति रसोई घर में काम करने वाली मायावती नाम की एक महिला का रूप बनाकर वहां पहुंच जाती है, जहां उन्होंने उस मछली को काटा और उसमें से निकले बच्चे को पालती है। जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसकी तरफ वो आकर्षित होने लगी, लेकिन तभी उन्हें लगा कि भाई वो गलत कर रही है।
जिसके बाद नारद जी वहां पर प्रकट होते हैं और मायावती को उसके पूर्व जन्म की सारी बात याद दिलाते हैं। ये सब सुनने के बाद मायावती ने प्रद्युम्न को सारी कलाएं सिखाई और फिर समय गुजरने के बाद राजकुमार प्रद्युम्न ने उस राक्षस का वध किया और फिर मायावती से शादी कर उन्हें अपनी धर्म पत्नी के रूप में कृष्ण जी की नगरी द्वारका ले गई। देखिए, एक बार देवी पार्वती ने पीछे से आकर भोलेनाथ की आंखों को बंद कर दिया था, जिसके बाद कुछ पल के लिए पूरी दुनिया में अंधकार छा गया था। तब शिवजी ने अपना तीसरा नेत्र खोला, जिससे दुनिया में तो रोशनी हो गई थी, लेकिन उसकी गर्मी की वजह से पार्वती को पसीना आ गया था और उस पसीने की बूंदों से एक अजीब गरीब जटाधारी काला छोटा बच्चा उत्पन्न हो गया था। उस बच्चे का मुंह बहुत बड़ा और डरावना था। जब माता पार्वती ने अपने स्वामी शिवजी से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा, तब प्रभु ने बताया कि वो उन्हीं का राक्षस पुत्र है और अंधेरे में जन्म लेने की वजह से उसका नाम अंधक रखा गया था। वहीं कुछ समय बाद दैत्य हिरण्याक्ष के पुत्र प्राप्ति के वरदान मांगने पर महादेव ने अंधक को ही उन्हें पुत्र के तौर पर सौंप दिया था। अब अंधक का पालन असुरों के बीच हुआ था, जिसकी वजह से वो आगे चलकर असुरों का राजा बन गया था। वहीं अंधक परम पिता ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त भी था। उसने भगवान की तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि उसकी मौत तभी हो जब वो गंदी नजर से अपनी माँ को देखेगा। अब उस मूर्ख को ऐसा लगता था कि मैं तो असुर हूं, मेरी कोई माँ है ही नहीं, तो मैं मरूंगा ही कैसे, यानी मैं तो अब अमर हूं। वरदान मिलने के बाद क्रूर अंधक ने देवताओं को हराकर तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया। कुछ समय गुजर जाने के बाद उस असुर ने तीनों लोकों की सबसे सुंदर स्त्री से शादी करने का फैसला किया और जब उसे पता चलता है कि तीनों लोकों में सिर्फ देवी पार्वती ही हैं जो सबसे सुंदर और आकर्षक है, तो उसने माता पार्वती के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन देवी ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद उसने उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तभी उस जगह पर शिवजी पहुंच जाते हैं और उन्होंने अंधक को बताया कि माता पार्वती और कोई नहीं है बल्कि उसकी माता है, जिसके बाद ही महादेव ने असुर अंधक को मौत के घाट उतार दिया। देखिए, शिव पुराण के अनुसार एक बार देवराज इंद्र देव गुरु बृहस्पति के साथ महादेव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। अब शिवजी तो ठहरे अंतर्यामी, उन्होंने इंद्रदेव की परीक्षा लेने का सोचा और एक ऋषि का रूप धारण करके उनके रास्ते में बैठ जाते। ऋषि के रास्ते के बीच से ना हटने पर देवराज को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने वज्र से महादेव पर आक्रमण करने की कोशिश की, जिसके बाद शिवजी को गुस्सा आया और उनकी आंखों का रंग लाल हो गया। गुरु बृहस्पति तभी समझ गए कि भाई ये कोई आम ऋषि नहीं है बल्कि साक्षात महेश है। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की कि वो इंद्र को माफ कर दे। बृहस्पति की विनती पर भोलेनाथ ने अपने नेत्र समुद्र की तरफ कर दिए और अपने गुस्से को शांत किया। उसी गुस्से की आग से एक बालक का उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते ही वो बालक तेज तेज से रोने लगा। उसके रोने से आवाज से पूरी धरती बहरी हो गई। जब परेशान होकर सभी देवता परम पिता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो उन्होंने उस बालक को गोद में उठाया। तब उस बालक ने भगवान ब्रह्मा का भी गला बहुत जोर से पकड़ लिया था, जिसकी वजह से उनके आंसू आ गए, जिसके बाद ही भगवान ब्रह्मा ने उस बालक का नाम जालंधर रखा। समुद्र ने उसका पालन पोषण किया। अब पुराणों की माने तो ये बात जालंधर को नहीं पता थी कि उसके पिता शिवजी और देवी पार्वती हैं। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो शिवजी को अपना दुश्मन मानता था। जालंधर बहुत ही ताकतवर था और उसे अपने बल पर घमंड भी था। उसका इतना बलशाली होने की वजह से उसकी पत्नी वृंदा थी। वृंदा एक पतिव्रता महिला थी। वो अपने पति धर्म को सच्चे मन से पालन करती थी। उसके ऐसा करने से ही जालंधर के अंदर कई सारी शक्तियां आ गई थी। तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं था जो उस राक्षस को हरा पाता। यहां तक कि यमराज भी उससे डरते थे। जालंधर सारे देवताओं की पत्नियों को परेशान करने लगा और उन पर अपना अधिकार जमाने लगा था। लेकिन उसे यह पता था कि शिवजी के सिवा कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं है कि उसे मार सके। इस वजह से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए जालंधर ने सबसे पहले देवराज इंद्र पर हमला किया, फिर उनको हराकर त्रिलोधिपति बन गया और उसके बाद उसने भगवान नारायण पर आक्रमण कर दिया था। उस बुरे राक्षस ने भगवान विष्णु को हराने के लिए देवी लक्ष्मी को छीनने की योजना बनाई, लेकिन माता लक्ष्मी ने उससे कहा कि तुम और मैं दोनों ही जल से उत्पन्न हुए हैं, इस वजह से हम दोनों भाई बहन हुए। देवी की ये बातें सुनकर वो समझ गया कि वो दोनों भाई बहन हैं। फिर उसने महादेव के घर कैलाश पर आक्रमण करके देवी पार्वती को अपने साथ ले जाने का सोचा, जिससे देवी माँ क्रोधित हो जाती है। और जब ये बात महादेव तक पहुंची तो वो गुस्से से लाल हो गए और जालंधर का वध करने के लिए उस पर हमला कर दिया।
लेकिन महादेव की सारी कोशिशों के बाद भी वो नाकामयाब रहे। अब ये सब देखते हुए भगवान विष्णु ने तरकीब बनाई कि भाई वो राक्षस की पत्नी वृंदा का पति व्रत तोड़ेंगे, जिसके बाद श्री हरि ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा को लगा कि भाई ये उसका पति जालंधर है, जिसके बाद भगवान विष्णु ने उसका पति व्रत तोड़ दिया। मौके का फायदा उठाकर शिव जी ने उस पर आक्रमण कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन इधर जब वृंदा को इस बात का पता चलता है तो उसने आत्मदाह कर ली, जिसके बाद वृंदा की राख के ऊपर ही तुलसी का जन्म हुआ, यानी देवी तुलसी वृंदा का ही अंश है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको इस बारे में और डिटेल में जानना है तो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर और पेज को फॉलो जरूर करें।